जिमकॉट बेट नेशनल पार्क उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में एक वन आच्छादित वन्य जीव अभयारण्य है। वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध ये अपने बंगाल के बाघों के लिए जाना जाता है। ढेकाला क्षेत्र में बाघ, तेंदुआ और जंगली हाथियों सहित जानवर घूमते हैं। रामगंगा जलाशय के तट पर सुनांदी क्षेत्र पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों के साथ साथ हाथियों और तेंदुओं का घर है। जिमकॉट बेट नेशनल पार्क सबसे बड़े कॉट बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। प्रोजेक्ट टाइगर उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कॉर्बेट का राजसी परिदृश्य बाघों की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित कॉर्बेट को भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। इसे उस स्थान के रूप में भी सम्मानित किया जा रहा है जहां प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार वर्ष 1973 में लॉन्च किया गया था। इस अद्वितीय बाघ क्षेत्र को सबसे अधिक लुप्त प्राय प्रजातियों और भारत के रॉयल जंगली जानवर की रक्षा के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को जन्म देने वाले पिता के रूप में जाना जाता है। टाइगर्स कहा जाता है पर्यटक क्षेत्र। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉट बेट नेशनल पार्क को 6 प्रमुख विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये पार्क के प्रकट या बफर क्षेत्र है जहाँ आगंतुक वन्य जीव सफारी का हिस्सा बन सकते हैं और आसपास के क्षेत्र में अपनी नंगी आंखों से जानवरों के आकर्षक व्यवहार का आनंद ले सकते हैं। बिजरानी सफारी जोन। बिजरानी जोन अपनी भरपूर प्राकृतिक सुंदरता और खुले घास के मैदानों के कारण एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन केंद्र है। अंचल का प्रवेश द्वार रामनगर शहर से मात्र 1 किमी की दूरी पर स्थित है। झरना सफारी जोन। जिमकॉट बेट नेशनल पार्क में झरना एक और महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र है जो साल भर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। झरना गेट रामनगर शहर से 16 किमी की दूरी पर स्थित है। ढेला सफारी जोन। ढेला कॉट बेट नेशनल पार्क में एक नया इको टूरिज्म जोन है जिसे नवंबर 2014 में टाइगर रिजर्व जोन में शामिल किया गया था। CTR में पर्यटकों के लिए खुला रिजर्व के बफर जोन में ये एकमात्र क्षेत्र है। जोन अपनी समृद्ध जैव विविधता के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है और पूरे वर्ष खुला रहता है। साथ ही यह रामनगर शहर से लगभग 13 किमी की दूरी पर स्थित है। ढेकाला जोन। कॉर्बेट में सबसे बड़ा और सबसे विविध जंगल सफारी जोन होने के नाते ढेकाला अपनी भरपूर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अपने विदेशी जीवों के लिए सबसे अच्छी दृष्टि प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। प्रवेश द्वार रामनगर शहर से 18 किमी दूर है। कचर वन्य जीव उत्साही लोगों के लिए ढेकाला पर्यटन क्षेत्र के अंदर रात्रि प्रवास की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। दुर्गा देवी जोन। जिमकॉट बेट नेशनल पार्क की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित दुर्गा देवी जोन उन लोगों के लिए ग्रह पृथ्वी पर स्वर्ग है जो पक्षी देखने के शौकीन हैं। प्रवेश द्वार रामनगर शहर से लगभग 36 किमी की दूरी पर स्थित है। सीताबनी बफर जोन। सीताबनी जोन कॉट बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के शांत वातावरण के शौकीन हैं तो आपको सीताबनी क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व जिमकॉट बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित किया गया था। अगर आप एडवेंचर फ्रीक, बर्ड वॉचर, एंगलर या एनिमल लवर हैं तो जिमकॉट बेट नेशनल पार्क आपके लिए आदर्श जगह है। जंगल की गोद में अपने सप्ताहांत का आनंद लें। जिमकॉट बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय की तलहटी के बीच स्थित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। लुप्त प्राय बंगाल टाइगर के आवास के लिए जाना जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। अपनी वन्य जीव सफारी के लिए प्रसिद्ध जिमकॉट बेट नेशनल पार्क में नदी के किनारे कई रिसोर्ट हैं। दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों की 650 से अधिक प्रजातियों का घर ये पक्षी देखने वालों के लिए एक आश्रय स्थल है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे लोकप्रिय आकर्षण ढेकाला है जो पाटिलदून घाटी की सीमा पर स्थित एक वन लॉज है जो आश्चर्यजनक स्थान और समृद्ध वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय उद्यान में एक दिन में केवल 180 वाहनों को प्रवेश की अनुमति है। जिमकॉट बेट नेशनल पार्क मानसून के दौरान जुलाई से अक्टूबर तक बंद रहता है। हालांकि झरना, ढेला और सीताबनी पर्यटन क्षेत्र साल भर पर्यटकों के लिए खुले रहते हैं। वन अधिकारियों द्वारा सभी अंचलों में 2 पारियों में सफारी का आयोजन किया जाता है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी हैं। ये पहला स्थान था जहां 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। पार्क 500 वर्ग किमी से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजरानी, ढिकाला, झिरना, दो मुंडा और सोना नंदी।